नियमितीकरण का घोषणा कांग्रेस सरकार में भारी पड़ रही है। आपको बता दें कि दरअसल छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश के हजारों दैनिक वेतन भोगियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार को घेरा है। तो वहीं बूढ़ा तालाब धरना स्थल से राजभवन के लिए कांग्रेस सरकार वाधा निभाव रैली निकाली। आपको बता दें कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने पूर्व बीजेपी सरकार और वर्तमान कांग्रेस सरकार पर भेदभाव करते हुए अनदेखे करने का आरोप लगाया है और कहा कि कांग्रेस सरकार नियमितीकरण का जो उन्होंने की जो घोषणा की थी वो उसके साथ हमारे साथ घोषणा करने के बावजूद भी धोखा हो रहा है। नियमितीकरण के लिए 6 सदस्यीय कमेटी भी बनाएगी लेकिन आज तक उस कमेटी का अता पता नहीं है। कर्मचारियों ने कहा कि यदि अब सरकार अपने वादे पूरे नहीं करेगी तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। कि नियमितीकरण स्थायीकरण दोनों कर दिया जाए ताकि उन्हीं के लिए आसान हम घूम घोड़ भी दिए हैं और आगे बस यही उम्मीद है कि नियमितीकरण के लिए ऐसे हम रैली निकालते रहेंगे। क्या उनकी यही मन है? नियमितीकरण के संबंध में आज तक किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है जिसके कारण दैनिक वेतन भोगी अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतन भोगी वन विभाग PWD से आज वादा निभाव रैली निकाले हुए हैं और नियमितीकरण और स्थायीकरण के मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपेंगे। अगर भविष्य में नियमितीकरण नहीं करता तो यह आंदोलन उग्र रहेगा।